काबुल में दर्द, दहशत और मातम पसरा है। काबुल में अभी भी हजारों भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीयों के मन में दरअसल ये सवाल है कि कब वो अपने वतन वापस लौट पाएंगे। उन्हीं में से एक भारतीय अनुराग गुरुंग जी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं काबुल से। अनुराग गुरुंग जी, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आते हैं आप भारत से, कहाँ पर आपका परिवार यहाँ पर बसता है, उनसे कोई संपर्क हो पाया है अभी तक या नहीं, और आप काबुल में कितने वक्त से काम कर रहे हैं? मैडम, मैं एक्चुअली बेसिकली मैं देहरादून का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड जो है देहरादून, वहाँ पे एक गांव है रायपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैं काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा हूँ काबुल में। और अभी जो ये अचानक ऐसा हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया, जो जिसका कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी किस्मत इतनी ख़राब रहेगी, मेरा उस टाइम जो मेरा पासपोर्ट है वो वीज़ा लगाने के लिए दिया हुआ था, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे पा रहे थे कि इतने जल्दी से ये टाई राउंड होगा, क्योंकि हम सोच रहे थे अभी अगर होगा तो उससे पहले हम निकल जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी पास की थी कि भाई अपना टिकट बुक कराओ, तो हमने अपना टिकट भी बुक करा दिया था। 16 तारीख का मेरा फ्लाइट था सुबह मॉर्निंग एयर इंडिया, तो 15 तारीख की शाम को मुझे मेरा पासपोर्ट मिला। उससे भी मुझे बहुत टेंशन था, क्योंकि पासपोर्ट क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बहुत ज़्यादा बिजी था इस पूरे जो चल रहा था यहाँ पे, तो पासपोर्ट में काफ़ी टाइम लग गया वीज़ा लगने में। तो उसके बाद 16 को जो है मेरा फ्लाइट था, लेकिन 16 को जब मैं गया वहाँ तो सारा माहौल ही दूसरा था। वहाँ पे पूरा हड़कंप मची हुई थी, लोग भाग रहे थे और कोई जबरदस्ती उसमें चढ़ रहा था एरोप्लेन में, मतलब बहुत बुरा हाल। बहुत उस भगदड़ में काफ़ी लोग मरे भी, और मैं भी नहीं हो पाया, फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मैं जा नहीं पाया। और अभी मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। ये होटल है, ये होटल जो है एयरपोर्ट के जस्ट 500 मीटर दूर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ। अभी मुझे मैंने काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कांटेक्ट किया, मैंने अभी अभी जाके मेरा एक कांटेक्ट हुआ है, उसमें हेल्प डेस्क में जो नंबर आता है उसमें मैं कांटेक्ट हुआ है। उन्होंने मुझे अपना पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह मांगा था, वो मैंने भेज दिया ईमेल के थ्रू, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। जब भी मैं यहाँ ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ के फ़ोन नंबरों पर जो MBCs के नंबर है उसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाना है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं कैसे वहाँ जाऊँगा, क्योंकि बीच में काफ़ी तालिबान चेक पोस्ट हैं। और मैं जाना, यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के लिए एयरपोर्ट में, दो गेट हैं। एक गेट जो है वो स्पेशली अभी बनाया गया है जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया गया है, लेकिन उसके लिए क्या है, अंदर जो है आपका नाम होना चाहिए वो लिस्ट में। तो वो लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे भी होना चाहिए अंदर एयरपोर्ट में, जो वो लिस्ट वहाँ पे उनको दे US आर्मी को। वहाँ पे US आर्मी और तुर्की की आर्मी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, AB गेट, उस गेट का नाम है AB गेट, उस गेट में वो देना पड़ा। क्योंकि जो दूसरा गेट है जिससे हम नॉर्मली जाते थे जब सब कुछ ठीक था, तो वहाँ पे तो अभी बहुत ज़्यादा कियोस है, और हर कोई आदमी, आपको आपने देखा होगा कितना बुरा हाल है वहाँ पे। तो लोग जो है मतलब और काफ़ी चेक पॉइंट भी है, मतलब तालिबान के अभी वहाँ पे लगा रखे। तो वैसे टू बी ऑनेस्ट, तालिबान ने अभी तक कोई हार्म तो पहुँचाया नहीं है, नहीं उन्होंने किसी को, अब जो मैंने देखा है, मैं झूठ बोलूँ बिल्कुल नहीं बोलूँगा चैनल में, आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने अभी तक किसी भी इंडियन को उन्होंने हर्ट नहीं किया है। किसी भी, जो भी मेरे फ्रेंड्स और लोग हैं, वो कोई लोग वहाँ से गए, किसी को उन्होंने तंग नहीं किया है। वो ऐसा उन्होंने किसी को डांटना या पीटना या उनको किसी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिला, लेकिन डर है, दहशत है सबके दिमाग में, तो हमारे भी दिल में है। और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और मेरे साथ और भी लोग हैं मेरे साथ जो मेरे साथ हैं, और इस प्रकार से बहुत इंडियन हैं जो होटलों में हैं, जैसे कि डेनिश एम्बेसी में 120 इंडियन है, पार्क स्टार होटल में कम से कम 80 इंडियंस हैं। तो वो सब एयरपोर्ट के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो तभी आ पाएंगे जब उनको ये वाला जो गेट है, ये वाले गेट में हमारा वहाँ पे लिस्ट हो, हमारे नाम का लिस्ट वहाँ पे उनको दिया जाए, अमेरिकन आर्मी के जो वो जो वहाँ पे गार्ड्स हैं। और वो तभी हो सकता है जब अंदर कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, हमारे भारतीय सरकार का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे ब्रिटिश आर्मी या कोई भी ब्रिटिश हो गया या US हो गया या कोई भी हो, उनके सारे जो लोग यहाँ पे थे जो हमारे साथ होटल में, उनको उनकी आर्मी आ रही है, वो लिस्ट लेके आ रही है और वो उनको ले जा रही है। अब मैं भी गया, मैंने वहाँ पे गेट में गया, उस गेट में मुझे अंदर ले गए, फिर अंदर जाके उन्होंने मेरा नाम चेक किया, नहीं था, तो उन्होंने मुझे बोला सॉरी, यू नो वी कांट लेट यू इन बिकॉज यू वी डोंट हैव योर नेम इन द लिस्ट। तो मैं वहाँ से वापस आ गया, वो गेट यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है 200 मीटर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे, यू नो एज आई एम टेलिंग यू, समबडी मस्ट बी देयर इनसाइड फ्रॉम आवर कंट्री हु कैन पास द यू नो लिस्ट एंड देन यू नो दे विल इजीली यू नो लेट अस इन। तो उसके लिए हमारी भारत सरकार से दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पे कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अंदर हो जो हमारा वहाँ पे लिस्ट दे,
और जो हेल्प डेस्क में हम जो भेज रहे अपना डिटेल्स, वही डिटेल्स वो वहाँ पे अगर दे दे नाम और पासपोर्ट नंबर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम आराम से अंदर आ जाएंगे। और अंदर जो फ्लाइट आएगी इंडिया से हमें लेने के लिए, हम उसमें आराम से आ सकते हैं। अभी अगर इंडिया फ्लाइट भेजेगी, लेकिन हम यहाँ हैं, फ्लाइट भेज दे, हम कैसे उसमें बैठेंगे? क्योंकि वो मेन देयर इज ए ऑब्स्टिकल्स, बिकॉज वी नीड टू गेट थ्रू ऑन दैट। तो ये चीज़ है जो मतलब एक ऑन ग्राउंड में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ये बिल्कुल जो नज़दीक से जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो जेन्यून प्रॉब्लम है, वो मैं बताना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से। बिकॉज जो ऑन ग्राउंड में हो रहा है वो मुझे पता है यहाँ पे, तो मैंने इसलिए इसलिए बहुत ब्रीफली आपको बताया कि ये है प्रॉब्लम। क्योंकि लोकल वो जो जो लोकल वो है, जो कमर्शियल वाला जो गेट है, वहाँ से जाना बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब डर है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा रिस्क है कि क्योंकि अभी तो वैसे तो कभी उन्होंने जैसे मैंने बताया उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कौन जानता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है इन गवर्नमेंट से ठीक है कि थोड़ा अनुराग सा जी, वो दो बड़ी चुनौतियां हम समझ पा रहे हैं आपके जरिए। एक ये कि आप एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि सड़क के हालात ठीक नहीं है। दूसरी चुनौती आपने बताई कि गेट के अंदर एंट्री कैसे मिलेगी, वहां पर भी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें आपके लिए सेफ नहीं है जाना। ऐसे में आप किसी ऐसे भारतीय अधिकारी से संपर्क चाहते हैं जो आपका लिस्ट में नाम ठीक से सुनिश्चित करे, और साथ ही जो और भारतीय आप बता रहे हैं कि आपके साथ मौजूद हैं उनका भी नाम लिस्ट में आए। ऐसे में डिटेल्स कैसे इन अधिकारियों तक पहुंचाई जा सकती है? क्या आपका किसी से संपर्क हुआ है या आपके परिवार वालों का किसी भी अधिकारी से संपर्क हुआ है अभी तक? मैं यही चीज बताना चाहता, मैं इसलिए मुझे बड़ा वो हो रहा है, इसी चीज का मुझे हो रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो प्लीज मतलब जितने भी मैं कॉल कर रहा हूँ, जितने भी नंबर मैंने कॉल किए, एक्सेप्ट वन नंबर जो कि इंडिया वाला नंबर है, जो ये हेल्प डेस्क वाला, वो उठा रहे हैं। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया भी है, उन्होंने हमसे ये मांगा था, हमारा पर्सनल डिटेल्स हमने भेज दिया उनको, मैं थ्रू जीमेल वी ऑलरेडी सेंड। बट प्रॉब्लम वो जो मैंने आपको बताया, उसके लिए मैं ही नहीं, यहाँ पे जितने भी इंडियंस, वी आर अराउंड 500-600 इंडियन इन हियर, सो दे विल फेस सेम प्रॉब्लम, द वन वी आर गेटिंग राइट नाउ, वी आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, एंड दिस इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी इंडियन, बिकॉज वॉट एवर दे विल सेंड, यू नो, इफ दे विल सेंड द फ्लाइट, बट इफ यू कांट गेट थ्रू, सो देन हाउ वी विल गेट द फ्लाइट, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। एंड एट द सेम टाइम द प्रॉब्लम इज वंस दे विल लीव, हु, यूएस आर्मी एंड ब्रिटिश आर्मी, देन इट्स गोना बी बिगेस्ट प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज वंस दे विल लीव, देन दिस ऑल थिंग्स विल बी ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ, यू कैन अंडरस्टैंड, यू नो। तो देन तो दैट्स वाई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि वो वहाँ पे ऐसा सिस्टम बनाएगी, वहाँ पे हमारी लिस्ट भेजें तो वो हमें आराम से इन, वो क्योंकि बार बार बोल रहे हैं लिस्ट में नाम ही नहीं है, आपका नाम ही नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी ब्रिटिश आर्मी यहाँ पे आ रही है बाहर है, वो अपने लोगों को भी ठीक ले जा है, रही है, पूरे इस होटल में बहुत ज्यादा आदमी थे, अभी सबको ले गई ठीक है है। अपना यूके अनुराग पहले। आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हमारे संवाददाता ने आपकी पत्नी से संपर्क किया है, उनसे बातचीत की है, सुनिए। सही सलामत वापस आया, क्योंकि सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं है, ये तमाम इनके हस्बैंड भैया लोग और भी बहुत सारे हैं जो बिल्कुल, ये लोग तो फिर भी आ पा रहे हैं टीवी में जैसे हम आ रहे हैं, वो जो दूर दूर है वो नहीं आ पा रहे हैं, वो काबुल से भी दूर है, वो उनकी भी मदद की जाए तो बहुत ही ज्यादा क्या क्या लगता है आपको, मतलब चूंकि वो फौज में रहे हैं इसलिए हिम्मत बंधा रहे हैं आपको, हाँ जी। क्या लगता है असलियत में ज्यादा परेशानी उन्होंने दिखाई वहां पर? परेशानी दिखा नहीं रही, लेकिन जिस हिसाब से वो बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि आ चुके हैं, वो तालिबानी बिल्कुल पूरे होटल के उनके चारों तरफ आ चुके हैं, वो निकलने के लिए भी अब जिस हिसाब से बता रहे हैं, वो सुबह से बोल रहे हैं कि हम निकल रहे निकल रहे, लेकिन अभी तक नहीं निकल पाए ना वहाँ से। तो इस हिसाब से लगता है कि हाँ है, वहाँ बहुत ज़्यादा वो है, प्रेशर है, जो कि वो दिखा नहीं रहे हमें। मेरे हस्बैंड तो अब वीडियो कॉल भी नहीं कर रहे मुझे, क्योंकि उन्हें पता है वो मुझे देखेंगे तो शायद टूट जाएंगे। मैं हिम्मत तो कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को देख के थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि भगवान से दुआ कर रही हूँ और सरकार कुछ कर दे हमारे लिए, और तो बोल नहीं पाऊँ क्यों, क्योंकि जब से सुना है तब से रोक नहीं पा रहे अपने आप को अपने।